अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे व्यूवर्स लोगों की फरमाइश पे मुंबई स्टाइल मिसल पाव। मैं मिसल घर में बनाने वाली हूँ और पाव मैं बेकरी से लेके आने वाली हूँ। मगर सबसे पहले हम बना लेंगे जो मिसल पाव में लगने वाला उसल। उसल ही इसमें मेन होता है। अगर आपका उसल अच्छा बन गया तो आपको मिसल पाव खाने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि उसल कैसे बनाते हैं और उसल बनाने के बाद में हम मिसल पाव कैसे बनाएंगे और उसे कैसे खाएंगे, और मैं कुछ अलग भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्द से जल्द रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ। उसके ऊपर रखी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम एक कटोरी भर के सूखा नारियल घसा हुआ, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। नारियल यानी कोकोनट, इंग्लिश में इसे कोकोनट बोलते हैं, बराबर आसिफ। तो नारियल का कलर हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसे हम निकाल लेंगे मिक्सर के जार में। अच्छे से निकालेंगे पूरा, और इसे एक साइड में रख देंगे। फिर से हम गैस को ऑन करेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। 3 चम्मच डाल चुकी हूँ मैंने बराबर से। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज कटिंग करी हुई। आप जैसी आपकी मर्जी वैसे आप कटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं या पतला भी कर सकते हैं। इसे हम 2 मिनट तक का अच्छी तरह से पका लेंगे। इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना आपको तीखा पसंद है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट तक का भून लेंगे। उसके बाद में इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटिंग करके। एकदम भी बारीक नहीं कटिंग करना है, थोड़ा ज़्यादा मोटा रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें इसे पीसना ही है ना। टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे तो इसे भी हम जिसमें हमने खोबरा डाल के रखे थे यानी कोकोनट डाले थे उसी के अंदर इसे भी हम डाल देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। पानी हमें ज़रूरत लगी तो ही हम डालेंगे, नहीं तो हमारे प्याज का पानी और टमाटर का पानी काफ़ी छूटेगा, तो इसी में हमें पीसने में हो जाएगा। तो लाइट बंद कर चुकी हूँ मैंने और मिक्सर लगा चुकी हूँ। तो हो गया हमारा पीस के। फिर से मैंने कढ़ाई में तेल डाली हूँ। 6 से 7 चम्मच हमें तेल लेना है। इसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और एक करी पत्ते के थोड़े टुकड़े डाल देंगे और ये पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे। इसमें तरी अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए हम इसमें तेल ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि तरी अच्छी आती है तो ही देखने में एकदम टेस्टी लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है और देखने के लिए भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी खंगाल के हम डाल देंगे इसके अंदर। जो भी मसाले वाटी में जो भी मसाला लगा देंगे उसे हम डाल देंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। आज की रेसिपी मेरी रात को बन रही है, 8 बज रहे हैं। 7:30 बजे से मैं स्टार्ट की थी तैयारी करना, फिर 8 बजे मैंने गैस को जलाई हूँ। तो अभी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कुछ मसाले और हमें डालने हैं, तो नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये मालवनी मसाला डालेंगे 2 चम्मच, ये तीखा होता है, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आपके पास में मालवनी मसाला नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मैं हूँ और ये मेरा किचन है और यहाँ पे कुकिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है। तो ये देखिए मसाले हमारे भून के हो चुके हैं। इसमें तेल भी अच्छी तरह से छूटा हुआ है। अभी इसके अंदर हम वटाने डालेंगे। तो ये वटाने को मैंने कुकर में लगा के 3 सीटी ले ली थी,
थोड़ा सा नमक डाल के ये सफ़ेद वटाने हैं, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अभी इसमें हम पानी डालेंगे, वटाने को हमें पहले ही बॉईल करके डालेंगे तो काफ़ी अच्छा पक जाता है। तो इसमें मैं कम से कम 3 गिलास पानी डाल रही हूँ भर के, आपको गिलास के अंदाजे से बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये एकदम पतला रस्से जैसा होता है, उसल एकदम पतला होना चाहिए तो ही खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से पानी डाल के मैंने इसे उबाल ले ली हूँ, ये देखिए उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। हो गया है, ओके, तो लाइट भी बंद कर देती हूँ। अभी मेरा हो गया है उसल बना के, अभी मैं थोड़ा पानी पीती हूँ और थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद में मैं आपको हमारी आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या होगा। सुकून से पानी पी लेती हूँ मैं, रेसिपी बनाने समय काफ़ी टेंशन हो जाता है मेरे को। अभी रात के कितने बज रहे देख लो, अभी रात के कितने बज रहे थे, 9:30 बज रहे थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए मैंने क्या क्या लिया आपको बता देती हूँ। ये देखिए फरसल ली हूँ मैंने, ये सेव ली हूँ, ये प्याज है, नींबू और हरा धनिया। तो चलिए अभी हम इसकी लहर लगाते हैं, प्लेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा उसल प्लेट में डालेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है हमारा उसल, और तरी भी अच्छी आई है माशाल्लाह। अभी इसके ऊपर हम फरसन डालेंगे थोड़ा सा, आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, मगर एकदम ज़्यादा मत भर देना। फिर से हम इसके ऊपर उसल डालेंगे, अच्छे से डालिए, तरी बिरी एकदम मस्त डालिए। ये देखिए तरी मैं ऊपर से मार रही हूँ, तरी का ही तो मज़ा आए, अरे वाह वाह वाह। अभी इसके ऊपर प्याज डालेंगे हम, जैसे होटलों में मिलता है ना वैसे। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, ऊपर से सेव डाल देंगे, आहा मस्त दिख रहा है एकदम, है ना। सेव डालेंगे, कैसा लग रहा है, एकदम मज़ेदार दिख रहा है ना देखने के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। और ये पाव मैंने बेकरी से मंगाई हूँ, 2 पाव एक साइड में रखेंगे, थोड़ी सी प्याज रख देंगे एक बाजू में, और ये नींबू रखेंगे। नींबू इसमें निचोड़ के ज़रूर खाना, तभी आपको इसमें टेस्ट आएगा, मज़ा आ जाएगा खाने में। तो ये देखिए, ये देखिए इसका कलर देखिए, इसकी तरी देखिए, कितने जनों के मुंह में पानी आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मुझे बहुत ही पसंद है, मेरा फेवरेट, बराबर बोलिए आसिफ, ये मेरा फेवरेट रेसिपी है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो आइए और एक स्टाइल में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वड़ा रखेंगे, जो ये वड़ा पाव के साथ में वड़ा खाते वो वाला वड़ा है ये। इसके ऊपर हम, ये मैंने रेडीमेड मार्केट से मंगाई हूँ वड़ा, मेरे को बनाने के लिए टाइम नहीं था। उसके ऊपर ये उसल डाल दीजिए आप, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगता है। अभी इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा प्याज रख देंगे, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, साइड में हम रखेंगे पाव, प्याज और 2 नींबू। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, ऐसे भी आप खाएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, वैसे आप खाएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। खाली उसल बना लीजिए और डबल मज़ा लीजिए। तो चलिए अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने नींबू निचोड़ दी हूँ इसके अंदर, हल्के से मिक्स कर लेती हूँ, और इधर पे तोड़ती हूँ पाव को, और पाव को इसमें डिप किया, और ये उठा ली मैंने एक निवाला, अब मैं खा रही हूँ बिस्मिल्लाह, मुँह में जाने के साथ ही आहा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है कसम से, बहुत बहुत खतरनाक एकदम। अभी इसका भी टेस्ट आपको बताती हूँ खा के कैसा है। इसमें भी नींबू डाली, इसे भी हल्के से मिक्स करी, पाव को तोड़ी, चम्मच से उठा के मैंने पाव पे रख दी, और इसे भी खाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा। इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे YouTube पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूल